ये समस्या कब से पानी भरने वाला? दो साल से ये समस्या हो रही है। निकलने वालों को, लेडीज को इतनी प्रॉब्लम होती है, उनके कपड़े खराब हो जाते हैं, गिर जाती हैं, और कई एक्सीडेंट हो चुके हैं यहाँ पर। को दिखता है ये देखो, ये बड़े बड़े खड्डे हैं, कोई गिर जाए, कोई बच्चे स्कूल से आते हैं, क्या करोगे बताओ? अब ये दिल्ली है, अब दिल्ली नहीं लोग कहते इसको, ये लोग कहते हैं गाँव है, अब दिल्ली खत्म होगी। हेलो हेलो, आवाज आ रहा होगा, ठीक है स्टार्ट है। नमस्कार, मैं सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों द लोकसभा। हम आए हुए थे हरिनगर विधानसभा क्षेत्र में कवर करने की आखिर किस तरीके से केजरीवाल काम कर रहे हैं और उनके विधायक। लेकिन जब यहाँ पे आते हैं तो हमें कुछ और नजर आता है। जरा देखिए, जिलों का शहर राजधानी दिल्ली का ये हाल है। ये पीली कोठी इलाका बोलते हैं, सामने ये ब्लॉक है सोसाइटी, और इस तरीके से सड़क पर जल जमाव की समस्या को देख करके आप फूले तो नहीं समा रहे होंगे। जिस तरीके से केजरीवाल दावे करते हैं कि मैंने साफ सुथरा और सुंदर बना दिया और स्वच्छ दिल्ली बना दिया, तो ये सुंदरता की कोई नज़ारा सामने से देखने पर केजरीवाल को कोई तारीफ नहीं करने वाला। ऊपर से लोग कहेंगे कि आपने तो जनता को ठग लिया, झूठ बोल करके, गुमराह कर करके। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से लोगों ने कहा कि आज तक एक साल से पानी को भरा हुआ है और कोई पानी बरसात का नहीं है, मैं बता दूँ ये पानी बरसात का नहीं है, नाली का पानी है, बदबू मार रहा है। और करीब एक डेढ़ साल से ऐसे ही ना सड़क बना है और ना ही इसका पानी का निकलने का कोई समस्या का समाधान है। तो देखिए केजरीवाल, उनके विधायक राजकुमारी ढिल्लो यहाँ से हैं, विधायक विधायिका, उनका एक काम है किस तरीके से सड़क पर उतर रही हैं और काम कर रही हैं, तो जनता को दिखाना जरूरी है। और जो समझते हैं कि टीवी और ट्विटर में बहुत बढ़िया दिल्ली है और राजधानी की कल्पना किस तरीके से सोचते होंगे और करते होंगे कि बहुत सुंदर होगा, तो ऐसी सुंदरता कहीं नज़र नहीं आ रही। आप ग्राउंड जीरो पर उतरिए और हरिनगर मोहल्ले में आइए, पीली कोठी इलाका है ये, सामने झुकी झोपड़ी भी है एक तरीके से बना हुआ है। वहाँ के लोगों ने कहा कि पानी की समस्या आज से नहीं है, कि पानी बरसात में और भर जाता है और चारों तरफ, सामने देखिए इधर इस तरफ भी उतना ही पानी भरता है और सामने इधर भी। अब देखिए किस तरीके से परेशान हो रहे लोग, चलने के लिए जगह नहीं है, किसी तरीके से खड़ा होकर हम आपके लिए ये वीडियो ला रहे हैं कि देखिए और समस्याओं को समझिए, क्योंकि समझने के बाद ही कोई इसको हल करने के बारे में सोचेगा। क्योंकि जिस तरीके से ट्विटर पर वीडियो और फोटो पोस्ट होता है कि सुंदर है दिल्ली, साफ सुथरा है दिल्ली, तो नहीं है, क्योंकि सुंदरता और साफ सुथरा तो नज़र नहीं आ रहा हमको। और जिसको नज़र आ रहा हो ट्वीट करके बताएंगे कि कहाँ दिल्ली सुंदर है और साफ सुथरा है। आगे बढ़िए, एक कोई छोटा सा इलाका नहीं है कि मतलब वहाँ पे एक गड्ढा है, देखिए जरा उस गाड़ी को देखिए, उस गड्ढे को दिखाइए कि किस तरीके से गाड़ियाँ गुजर रही है और लोग परेशान हो रहे हैं, सब परेशान है। हम भी किसी तरीके से चल के वीडियो बना रहे हैं आपके लिए और लोगों से कुछ पूछेंगे भी कि आखिर ये जगह कब से है ऐसे, किस तरीके से लोग परेशान हैं और क्यों परेशान हैं। क्योंकि पहले एक आरोप लगता था कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी काम कर रही है सरकार में, एमसीडी में कोई काम नहीं करने दे रहा उनको, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में भी है, खुद गवर्नमेंट में है। पहले आरोप लगाते थे कि कोई एमसीडी का बीजेपी का कार्यालय कार्यकर्ता हो या चाहे बीजेपी काम नहीं करने दे रही है, लेकिन आप हर जगह खुद हैं तो काम करना चाहिए उनको। और काम को इस तरीके से ना हो कि सड़क पर नाली का पानी जमा हो, क्योंकि सड़क पर पानी होगा तो लोग परेशान होंगे और शिकायत करेंगे, और शिकायत करने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि एमसीडी के गुंडे हैं, जिस तरीके से बर्ताव करते हैं दोबारा जाने का मन नहीं करता, क्योंकि वो धमकाते हैं और बोलते हैं कि जाओ काम हो जाएगा, और काम यही होता है। जरा देखिएगा अच्छे से, सामने तक है और लोग बोल रहे हैं कि सड़क करीब एक साल से नहीं बना, ये टूटी हुई कब से सड़क है। से इधर 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 आइए, ये यहाँ के लोकल कोई खास व्यक्ति हो जो रहता हो वही बताएगा कि आखिर कब से है, क्योंकि हमारे वीडियो बनाए चले गए, ये सड़क कब से टूटी हुई है से? और बताए हुए एक साल तो हो गए, एक साल हो गया, देखिए मैं खुद बोल रहा हूँ कि एक साल से टूटा हुआ। और ये पानी की समस्या कब से है? पानी भरा, जब बारिश होता जब ऐसे ही रहता, ऐसे ही रहता टूटा हुआ सड़क, पानी भरा हुआ, चलने को जगह नहीं, पैदल भी नहीं चल पा रहे लोग, चल पाते बाजार लगता है, आदमी जाएगा तो गाड़ी नहीं, इसी बाजार लगता है, इसी बाजार भी लग जाता है। देखिए वीर बाजार लगने वाला है, बाजार लगने वाला है। और यहाँ से विधायक और आम आदमी पार्टी सरकार में है, कुछ काम तो नजर आ नहीं रहा, और बोलते हैं कि बहुत सुंदर बना दिया दिल्ली को। जी। सुंदर है दिल्ली? नहीं, साफ सुथरा नजर आ रहा है आपको? नहीं, ये वहाँ से लेकर के आगे तक 100 मीटर के दायरे में जिस तरीके से गड्ढा जमा है, घंटा घर तक होगा, घंटा घर तक है ऐसे आगे तक, इसका हल निकलना चाहिए कि नहीं? निकलना चाहिए। अच्छा, आप केजरीवाल को जानते हैं, दिल्ली के सीएम है, उनकी भाषण को आपने सुना किस तरीके से बोलते हैं, बहुत अच्छा हो गया, सब सुंदर हो गया, सुंदर है कोई दृश्य तो भाषण को देखिए, सुनिए और वीडियो इसको देखिए, सड़क को देखिए, कहीं लग रहा है नहीं, कोई समानता है नहीं, कोई समानता नजर नहीं आ रहा। लोग बोल रहे हैं कि आगे तक इसमें मार्केट भी लगने वाला है, अभी एक और नई बात निकल कर गया, इस पे लोग मार्केट लगेगा और लोग यहाँ पे सामान की खरीदारी भी करेंगे, और किस तरीके से करेंगे
ये तो भगवान भरोसे रहिएगा, देखिएगा वीडियो में आगे कि किस तरीके से लोग आते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि एक दिन का नहीं है, करीब एक साल से, कब से गड्ढा है इसे? टाइम बताइए, कितने दिनों से इसे? जब से चालू है, बारिश चालू हुई जब से। बारिश चालू हुई जब से? हाँ। ये कोई सीवर वाला नाला है, वो साफ नहीं होता? वो सफाई नहीं होते हैं, कुछ ऐसा वैसी पड़ा रहता जी। सेम सीधे में कर्मचारी हो गए, आम आदमी पार्टी का हो गया, सफाई हुई साल से टूटा हुआ है सड़क। मैंने पीछे भी हरनगर में एक वीडियो बनाया था, दिखाया था कि 15 दिन से पानी जमा हुआ है। हम आ जाए वहां पे जरा देखिए, क्योंकि वही लोग सही बताएंगे जो यहाँ पे रहते हैं और जो झेलते हैं इस परेशानी को, क्योंकि पानी भरने के बाद ये पूरा इलाका पानी से भर जाता होगा। जरा दिखाइए, सामने पार्किंग भी है और सामने दुकान है, ये शायद ए ब्लॉक है ना, हरिनगर पीली कोठी मोहल्ले का। ये बताइएगा समस्या कब से पानी भरने वाला? 2 साल से ये समस्या हो रही है, ये सीवर भर जाता है, ये झुग्गियों की वजह से इनका सारा कूड़ा इसमें इतना सारा बोतल वगैरह, ये कोई कंट्रोल नहीं करते हैं ये झुग्गी वाले, मैं ये कहता हूँ हमारे भाई हैं, लेकिन इनको ये समझ होनी चाहिए कि इसमें बोतल कूड़ा सब कुछ इसी में सीवर में आ जाता है, इसकी वजह से लॉक हो जाता है और ये सारा पानी भर जाता है। और ये समस्या जो है सब निकलने वालों को, लेडीज को इतनी प्रॉब्लम होती है, उनके कपड़े खराब हो जाते हैं, गिर जाती हैं, और कई एक्सीडेंट हो चुके हैं यहाँ पर, कईयों के चोट लग चुकी है, जिनके हम आपको एड्रेस दे सकते हैं जिनके चोट लगी है। और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ से, ये मायापुरी और घंटाघर को निकलने के लिए एक ही रास्ता है, और जिसको कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और इतनी बदबू और इतनी बीमारियाँ फैल रही हैं, ये बीमारी इसमें मच्छर पैदा होते हैं आपको सब दिख रहा है। हाँ। और कोई सुनवाई नहीं होती है, बदबू भी मार रहा है, और एक तरीके से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के नेता और एमसीडी में भी वही खुद है। उसको कुछ नहीं कहूंगा, ये तो डिपार्टमेंट को देखना है, कोई भी सरकार हो इसमें डिपार्टमेंट को देखना है कि ये समस्या को जड़ से हल करे। हमने तो कहा इसमें अगर सीवर नहीं चलता है तो नाला बना दीजिए, अगर तुम्हारे बस की नहीं है सीवर चलवाना तो नाला बना दीजिए एक साइड में। और मैं नेता तो जो भी करते हैं जैसे भी करते हैं मेरे को नहीं पता है, लेकिन डिपार्टमेंट को तो करना पड़ेगा। सर मैं बता रहा हूँ कि उनके पार्टी के नेता बोलते हैं कि मैंने दिल्ली को बहुत सुंदर और साफ स्वच्छ बना दिया है, तो उनके लिए तो ये दिखाना पड़ेगा ना कि किस तरीके से स्वच्छता बनाया आपने, सुंदर बनाया। हम यहाँ की बात करते हैं जहाँ जो हम प्रॉब्लम झेल रहे हैं और पूरा इलाका झेल रहा है, मेरे को ना पूरी दिल्ली से मतलब है, जो भी दिल्ली की जिसकी समस्या है सब अपनी अपनी समस्याएं बताएंगे तो अपने आप पता लग जाएगा। हमारी हमारी समस्या है जो रोड की, अगर ये देखा जाए तो सब लोग जो यहाँ से निकलते हैं, अब ये भाई साहब जा रहे हैं इनको पूछिए कितनी परेशानी है यहाँ से जाने में। देख रहे वीडियो में सब दिख रहा है किस तरीके से गड्ढा है, आगे यहाँ भी गड्ढा बना हुआ है और लोग परेशान हो रहे हैं, और सामने जो की झोपड़ी से भी कूड़ा कचरा आता है, लोग गिरती है यहाँ से, यहाँ पे एक्सीडेंट हुए हैं, लोगों के टांग टूटी है, किसी को कोई फर्क नहीं है, यहाँ पर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, डिपार्टमेंट को कोई फर्क नहीं, लोगों को डिपार्टमेंट बोल रहे पैर टूट गया है, एक्सीडेंट हो गया, बड़े बड़े पैर टूटना कोई छोटी चीज नहीं है और आम बात नहीं है, इस बात को समझना पड़ेगा। और यहाँ के जो भी विधायक हो, पार्षद हो, निगम पार्षद हो, उनको ये सोचने की चीज है, सबको दिखता है, आप भी देख रहे हो ना? नहीं मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं रोज नहीं आ सकता इस चीज को लेकर के, सारी बात से सहमत। हाँ, मगर सारी दुनिया को दिखता है, दिखता है ना, सारे सबको दिखता है। ये देखो ये बड़े बड़े खड्डे हैं, कोई गिर जाए, कोई बच्चे स्कूल से आते हैं, क्या करोगे बताओ? कोई सुनवाई तो है नहीं यहाँ पे। अब ये दिल्ली है, अब दिल्ली नहीं लोग कहते इसको, ये लोग कहते हैं गांव है, अब दिल्ली खत्म होगी, राजधानी दिल्ली है, वो नहीं है राजधानी, वो मैं मानता हूँ लोग पहले कहते थे राजधानी दिल्ली है, अब राजधानी दिल्ली नहीं है, अब गांव कस्बे कहते हैं इसको, मतलब इस तरीके से बदहाल। हाँ हाँ, देखो ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा हाल है। मुंडिका मैं कल गया था, कल 1 बजे मैं यहाँ से गया, 6 बजे मुंडिका पहुंचा हूँ। तो केजरीवाल फिर झूठ बोल रहे हैं तरीके से। भाई कोई क्या देख रहा है, ये तो सारी पब्लिक देखती है, झूठ में सच में इसमें क्या है, पूरी दुनिया देखो क्या देख रही है, सामने दिख रहा है, इसमें प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, जरा सामने देख लीजिए और फिर बताइएगा कोई नेता और कोई कार्यकर्ता कि क्या हो रहा है। कॉलोनी में चक्कर मारो देखो ना, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, कौन जिम्मेवार है? और पहले बोलते थे कि कोई काम नहीं करने दे रहा, कोई खुद आ गए, खुद रोड पे उतरोगे, दुनिया को दिखता है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, किसी को कहने की और बताने की जरूरत, खुद उतरो ना पता लगेगा। आप भी आ रहे हो मार्केट में, आप भी निकले हो, आप देखो तुम्हारे सामने, तो फिर अगर कोई भी रात बरात आए सीधा इसी के अंदर जाएगा, गटर खुला है क्या, कोई किसी को दिखेगा? और सामने भी, तो फिर ये तो कोई दुनिया से छुपा तो है नहीं, सबको समझने की चीज है, और यहाँ के विधायक भी शायद कुछ कर नहीं रहे, तभी ऐसी। अब पता नहीं कौन क्या कर रहा है, महाराज ना मैं जानता हूँ किसी को ना बात, यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक, मैं किसी के पास आज तक तो मैंने देखा ही नहीं कौन है किसी को,
जानते भी ना, मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। यहाँ से निगम पास मैं डेली यहाँ आता हूँ, काम करता हूँ, डेली आता ही आता हूँ, ये इतना मेरे को पता है। ना मैं किसी पास से मिला हूँ, ना मैंने कभी देखा किसी को, काम करते भी नहीं देखा, ना काम उनका देखा कि कुछ नहीं। काम जहाँ हो रहा है वहाँ हुआ है, मैं ये नहीं कर रहा, मगर जो रियल दिख रहा ना वो तो कम से कम देखे ना। मार्केट में घूम रहे हो, सारी दुनिया आती है जाती है, दुनिया को दिखता है ना काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। माया नगरी, माया नगर से कुछ आगे क्या घंटा घर का रास्ता है, मेन रास्ता है सर, मेन रास्ता ये। क्या कर, आपने देखा ये हाल, और इस हाल को समझने के लिए किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जरा एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा सही से, किस तरीके से लोग परेशानी बताएं। कुछ ने कहा कि ये सड़क भी इसमें से किसी लोग, कितने लोग के पैर टूट गया है, कितनी महिलाएं गिर चुकी है, कुछ बच्चे भी गिर चुके हैं। और मैं खुद बता रहा हूं कि यदि इस रास्ते से कोई गाड़ी चले जाए तो कोई आदमी भी नहीं गुजर सकता। जरा इस रास्ते को सही से देख लीजिएगा। और ये जगह है पीली कोठी, हरिनगर मोहल्ले में आता है। यहाँ के विधायक राजकुमारी ढिल्लो, मैं फिर से बता रहा हूँ, कुछ काम कीजिए और ग्राउंड पर उतरिए और देखिए कि जिस तरीके से आपके नेता और आपके विधायक जो बात करते हैं कि मैंने दिल्ली को सुंदर बनाया है, साफ सुथरा बनाया है, सब जीरो है, सब आप ठगने का काम कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। ये जनता को समझाइए ग्राउंड पर उतर करके और दिखाइए कि क्या कर रहे हैं आप, कुछ नहीं हुआ है अब तक। खैर, और भी लोगों से बात करेंगे, बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए द लोकसभा।